झारखंड से साहिबगंज जिले के राजमहल महासिंहपुर पंचायत में बीते गुरुवार की रात 11,000 हाई वोल्टेज विद्युत तार की चपेट में आकर एक बिजली मिस्त्री शशीर कपूर महतो की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया। मृतक की गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं घटना को लेकर मृतक की पत्नी विमला देवी ने मंडई पावर सब स्टेशन कार्यरत मिस्त्री नंदलाल कुमार और मिथुन कुमार पर राजमहल थाना में लिखित प्रार्थना पत्र देकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं परिजनों ने झारखंड सरकार से एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की है। फिलहाल घटना को लेकर विभाग का कहना है कि मामला गंभीर है। मामले की जांच पड़ताल पर दोषियों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिजली का काम कर रहा था और करते करते साइड डाउन लिया और साइड डाउन लेके पोल चढ़ा, पोल चढ़ के कुछ तार छुआ, उसका बाद में लाइन दोबारा दे दिया और देने के बाद वहीं पर 11,000 में लटक के रह गया। और हम जो है हम उसको नहीं उतार रहे थे, लेकिन जिला परिषद मुखिया और थाना प्रभारी लोग ये लोग हमको बोला कि चलो उसको उतारो, ले जाएंगे पोस्टमार्टम में। और रात में उतारा और दिन में लेके आए। इसका पत्नी नहीं है, इसका कोई गर्जन नहीं है, अभी नहीं उतरेगा, हुआ पर रहेगा। ये लोग क्या किया, हुआ जो यहाँ मांग मांगेगा वो हुआ सुबह मांगेगा, पोस्टमार्टम होगा तब आप लोग का कोई केस होगा, पोस्टमार्टम नहीं करेगा तो नहीं होगा। शशि कपूर जीजाजी हैं, मेरे बहन का कोई है नहीं, बाल बच्चे कौन पालेंगे, कौन रखेंगे इसको है। इनको सर मुआवजा जो है उसको आवाज़ मिलना चाहिए है, और इनको मंथली पैसा मिलना चाहिए महीने।